क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालते हैं। इसमें क्या है, द एवरेज एज ऑफ 8 चिल्ड्रन, ठीक है, तो बड़ा आसान इसका सोल्यूशन है। तो एवरेज दिया है, एवरेज एज ऑफ 8 चिल्ड्रन कितना दिया है, 12 साल दिया है, 12 इयर्स। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम सम ऑफ एज ऑफ 8 चिल्ड्रन अपॉन 8 इज इक्वल टू 12 इयर्स। तो यहाँ से सम आ जाएगा, ये अच्छी बात है, सम ऑफ एज ऑफ 8 चिल्ड्रन आ जाएगा यहाँ पर, 8 चिल्ड्रन, सो दैट विल बी नथिंग बट 12 8, 12 8 इज नथिंग बट 96 ईयर्स, ठीक है, 96 ईयर्स आ गया। अब मुझे क्या कहा है, यहाँ पर 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों की मुझे एज दी है। अब सम ऑफ एज ऑफ 8 चिल्ड्रन, अगर 8 बच्चे हैं तो उनमें से 7 बच्चों की मुझे एज दी है, ठीक है, तो 7 बच्चों की एज लिख लेता हूँ, और सम करना है मुझे वैसे भी, ठीक है, तो मैं आई एम यूजिंग द ब्लू कलर पेन, तो मुझे वैसे भी ऐड करना है, तो सम की जगह मैं ऐड कर लेता हूँ, 12 + 8 +14 + 11 + 9 + 13 + 15, ये तो 7 बच्चों की एज हो गई, ठीक है, जो इंडिविजुअल दिए, सम का मतलब क्या होता है, इनकी एज का सम, प्लस जो बच्चा मुझे नहीं पता 8th, उसको मैं x ले लेता हूँ, सपोज x, ठीक है, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 96, एंड नॉट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड x, कितना आ रहा है इनको टोटल करके, 12 + 8 इज 20 + 14 विल बी 34 + 11 विल बी 45 + 9 विल बी 54, 54 प्लस 28, 54 और 28 विल गोइंग टू गिव 54, 28 विल गोइंग टू गिव 82, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 82 प्लस x इज इक्वल टू 96, और x विल बी 96 माइनस 82, सो दिस विल बी कितना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 इयर्स, 14 इयर्स विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है।